जादूगर मेरा बाबा, दिलाराम बाबा मेरा बाबा, बड़ा जादूगर मेरा बाबा। हमको बनाते कांटों से फूल, हमको बनाते कांटों से फूल, चमकाते भाग्य मेरा बाबा, बड़ा जादूगर मेरा बाबा, दिलाराम बाबा मेरा बाबा, बड़ा जादूगर मेरा बाबा, बड़ा जादूगर मेरा बाबा। ज्ञान के बल से हर एक पल को जीना सिखाते हैं बाबा, ओ ज्ञान के बल से हर एक पल को जीना सिखाते हैं बाबा। अपने ही संग से स्नेह उमंग से फरिश्ता बनाते हैं बाबा, मन बना कुंदन चिंतन चंदन, मन बना कुंदन चिंतन चंदन, खुद सा बनाए मेरा बाबा, बड़ा जादूगर मेरा बाबा, बड़ा जादूगर मेरा बाबा। याद वो आए मन मुस्काए मीठी मुरली सुनकर, ओ याद वो आए मन मुस्काए मीठी मुरली सुनकर, पाए प्यार पाकर, दिल चाहत में ऐसी उल्फत में, दिल चाहत में ऐसी उल्फत में, वाह वाह गाए दिल बाबा, बड़ा जादूगर मेरा बाबा, बड़ा जादूगर मेरा बाबा, दिलाराम बाबा मेरा बाबा, बड़ा जादूगर मेरा बाबा, दिलाराम बाबा मेरा बाबा, बड़ा जादूगर मेरा बाबा। हमको बनाते कांटों से फूल, चमकाते भाग्य मेरा बाबा, बड़ा जादूगर 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 मेरा बाबा।
लक्ष्मण। चेतना की वह शक्तिशाली किरण, चेतना का वह बिंदु मैं, देख रहा हूं स्वयं को भ्रुकुटी के मध्य में विराजमान। मैं आत्मा हूं। रहम के सागर शिव बाबा की संतान मैं, मास्टर रहम दिल। संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाली मैं, विश्व कल्याणकारी आत्मा। धीरे धीरे मैं आत्मा इस तन से निकल कर जा रही हूं ऊपर आकाश की ओर। चमकीला फरिश्ता रूप धारण कर इस संसार से परे सूक्ष्म वतन में आ गई। साक्षात अव्यक्त बाप दादा सम्मुख है। बाबा मुझसे कह रहे हैं, बच्चे तुम मास्टर दया के सागर करुणामयी हो। जाओ और आत्माओं से अपने हिसाब किताब चुक करो। देखते ही देखते मेरी आंखों के सामने वो सभी आत्माएं आ रही है। जिन्होंने मुझे इस जन्म में या किसी और जन्म में बहुत सताया था, कटु शब्द बोले थे, मेरे साथ गलत व्यवहार किया था, मैं देख रहा हूं अपनी आंखों के सामने वो सभी आत्माएं जिन्होंने मुझे असहयोग दिया, अपमानित किया, झूठे आरोप लगाए, देख रहा हूं उन सभी आत्माओं को। और स्वयं को देख रहा हूं, क्या मेरे मन में इनके प्रति बदले का भाव तो नहीं? क्या इन्होंने जो कुछ भी किया
वो मेरे ही कर्मों का फल नहीं था। क्या इनके साथ भी मैंने ऐसा ही तो नहीं किया था किसी जन्म में? आज इन सभी आत्माओं को मैं देख रहा हूं। मैं मास्टर रहमदिल और इन सभी आत्माओं को बेशर्त बिना किसी कंडीशन के माफ करता हूं, क्षमादान देता हूं। इन्होंने जो कुछ भी किया अच्छा ही किया, अच्छा ही हुआ जो मेरे सारे हिसाब चुकतू हो गए। आंखों के सामने उन सभी आत्माओं को देखना है जिनके मन, जिनके लिए हमारे मन में नफरत, घृणा, द्वेष, बदला, निगेटिव संकल्प है। आज मैं इन सबको कंप्लीट 100% क्षमादान करता हूं। सभी के चेहरों पर खुशी आ गई। ये सभी आत्माएं मुझे धन्यवाद दे रही है, दुआएं दे रही है। इन सभी के प्रति अब मेरे मन में केवल और केवल विशुद्ध प्रेम भर गया है। ये सब मेरे अपने हैं,
प्रेम के सागर की संतान मैं, मास्टर प्रेम का सागर। इन सभी आत्माओं को प्रेम की किरणें प्रदान कर रहा हूं। मन का भारीपन समाप्त हो गया। मैं स्वयं को अतिशय हल्का, लाइट महसूस कर रहा हूं। दूसरी ओर देखता हूं। यहां पर असंख्य आत्माएं खड़ी हैं। ये सब वो आत्माएं हैं जिनको मैंने कभी बहुत सताया था। मैं अज्ञान में था, विकारों के वश था, संस्कारों के अधीन था, कटु वचन बोले थे, गलत व्यवहार किया था, इन आत्माओं को अपमानित किया था, उनके विरुद्ध षड्यंत्र किए थे, असहयोग दिया था, मैं देख रहा हूं इन सभी आत्माओं को। कितनी क्रोध में है सभी, और आज मैं इन सभी आत्माओं से क्षमा मांगता हूं। हे रहम दिल आत्माओं, हे रहम के सागर की संतान आत्माओं, मैं क्षमा प्रार्थी हूं। हे आत्माओं, मुझे क्षमा कर दो, मेरी भूलों को माफ कर दो। मेरे इस तरह माफी मांगने से मैं देख रहा हूं कि वो आत्माएं मुझ पर रहम करने के लिए तैयार हो रही है। हे आत्माओं, मुझे क्षमा कर दो। बार बार मेरी आवाज सुनने के बाद अब वो आत्माएं सभी अपने संपूर्ण रहम दिल स्वरूप में स्थित है, और सभी आत्माएं मुझे माफ कर रही है। उन सभी आत्माओं ने अपना दुआओं का हाथ मेरे सिर पर रख दिया है। ऐसा लग रहा है जन जन का बोझ उतर गया,
संपूर्ण हल्का हो गया। ये सभी आत्माएं अब मुझसे खुश हैं। और मैं उन्हें बहुत बहुत दिल से धन्यवाद दे रहा हूं। और उनसे सीख रहा हूं कि मुझे भी इसी तरह रहन दिल बनना है। अब मैं आत्मा तीसरी तरफ देख रहा, मेरी आंखों के सामने असंख्य आत्माएं हैं। ये सब वो आत्माएं हैं जिन्होंने मुझे बहुत सहयोग दिया। मैं भूखा था, मुझे भोजन दिया। मैं प्यासा था, मेरी प्यास बुझाई। मेरे पास धन का अत्यधिक अभाव था, धन से मेरी मदद की। मैं बीमार था, कमजोर था, उस कमजोरी में इन सभी ने मेरी बहुत सेवा की। मैं देख रहा हूं अपने लौकिक माँ बाप को जिन्होंने मुझे जन्म दिया, और इन सभी का तहे दिल से सहृदय मैं धन्यवाद करता हूं। मैं देख रहा हूं इन ब्रह्मा कुमारी बहनों को जिन्होंने मेरा कोर्स कराया, जिन्होंने मुझे ज्ञान दिया। मैं देख रहा हूं उस बहन को जिसने ज्ञान मुरली के द्वारा मेरी पालना की। मैं देख रहा हूं उस आत्मा को जो मुझे पहली बार मधुबन ले गई। मैं धन्यवाद करता हूं उस आत्मा को जो निमित्त बनी भगवान से मिलाने के लिए। मैं इन सभी आत्माओं को देख रहा, मैं उन सभी आत्माओं को भी देख रहा हूं जो सेवाओं में मेरे मददगार हैं। मैं अपने लौकिक मित्र संबंधियों को भी धन्यवाद देता हूं। मैं धन्यवाद दे रहा हूं उन सभी ऑफिस में काम करने वाले मेरे साथियों को, बड़ों को, छोटों को। मैं देख रहा हूं आंखों के सामने ये संपूर्ण ब्राह्मण परिवार, और इनको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूं। मैं देख रहा हूं सभी दादियों को, और इन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अब मैं देख रहा हूं प्रकृति के ये पांच तत्व देवता रूप में मेरे सामने उपस्थित है।
इन पांच तत्वों को बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्रकृति मेरा सतयुग से लेकर अब तक, इस प्रकृति ने मेरी कितनी सेवा की और मैंने इस प्रकृति के साथ क्या किया, इसलिए आज प्रकृति के सभी उपकारों के लिए मैं प्रकृति को धन्यवाद दे रहा हूं। इन सभी के लिए मेरे मन से दुआएं निकल रही है। अब मैं पुनः अव्यक्त बाप दादा के सामने हूं। बाबा मुझे देख रहे हैं और भगवान का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है। बाबा मुझसे बहुत खुश है। बाबा मुझे बहुत बहुत दुआएं दे रहे हैं। मैं फरिश्ता संपूर्ण हल्का हो गया। मैं फरिश्ता निर्बोझ निर्भार डबल लाइट स्थिति में स्थित हूं। अभी मेरी आंखों के सामने कुछ और आत्माएं आ रही है। ये आत्माएं अपरिचित हैं, मैं इन्हें नहीं जानता, परंतु ये वो सभी आत्माएं हैं जो भविष्य में मेरे सामने आने वाली हैं। ये वो सभी आत्माएं हैं जिनका मेरे साथ एक नया हिसाब किताब शायद भविष्य में चालू हो जाए। ये वो आत्माएं हैं जो अब तक जीवन में आई नहीं है, परंतु संभवतः आने वाली है। इनमें से किसी को मैंने दुख दिया तो किसी ने मुझे दुख दिया। आज मैं इन सभी आत्माओं शुभ भावना और शुभकामना की किरणें पहले से ही दे रहा हूं। ताकि जो कड़े हिसाब किताब भविष्य में आने वाले हैं वो पहले ही हल्के हो जाए। मैं फरिश्ता धीरे धीरे अब नीचे आता हूं और नीचे आकाश में और नीचे। भारत की इस पवित्र भूमि में और नीचे पहुंच गया हूं। इस शहर के ऊपर, इस मैसूर शहर के एकदम ऊपर
और उन सभी आत्माओं का आह्वान कर रहा हूं जो अभी अज्ञान में है, जिन्होंने बाबा को अभी जाना नहीं। हे देव कुल की महान आत्माओं आ जाओ, हे देव कुल की महान आत्माओं आ जाओ, घूम रहा हूं इस शहर के ऊपर, एक एक नगर के ऊपर, एक एक बिल्डिंग के ऊपर, एक एक घर के ऊपर, और पुकार रहा हूं आत्माओं को, हे आत्माओं आ जाओ, भगवान आ चुका है। संपूर्ण शहर में यह आवाज गूंज रही है, अज्ञान निद्रा से आत्माएं जाग रही है। आकाश में चारों ओर फरिश्ते ही फरिश्ते नजर आ रहे हैं। सभी आत्माओं की ज्योति जग रही है, सभी आत्माएं अपने पिता को ढूंढते ढूंढते बाबा के सेवा केंद्रों की तरफ बढ़ रहे हैं। चारों ओर मेरा बाबा, मेरा बाबा, यही आवाज आ रही है। कैसा सुंदर समय है ये प्रत्यक्षता का, चारों ओर शिव बाबा के झंडे लहरा रहे हैं, एक एक घर के ऊपर। इस शहर की सभी आत्माएं बाबा के प्यार में खोती जा रही है। और कुछ आत्माएं पश्चाताप कर रही है, आज सुबह की साकार मुरली जिसमें बाबा ने अंतिम लाइन में कहा था कि आत्माएं कहेगी लाइफ हो, यदि लाइफ है तो इनकी है। ऐसी आवाज उनके मुख से निकल रही है। मैं फरिश्ता धीरे धीरे वापस इस तन में प्रवेश करता हूं। मुझ आत्मा से पवित्रता की किरणें निकल संपूर्ण ज्ञान सरोवर में फैल रही है। यहां का वातावरण चार्ज हो रहा है, हवाओं में पवित्रता की तरंगे हैं। इतनी पवित्रता से यह ज्ञान सरोवर भर गया है कि आज के बाद जो भी आत्मा यहां आएगी बाबा का बन जाएगी।
अब इसी दृश्य को मैं आंखों से देख रहा हूं, और इसी तरह मेरे अंग अंग से पवित्रता की किरणें चहुओर फैलाने का यह अभ्यास और कुछ समय इसी एकांत और मौन में मैं करता हूं। पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। पवित्रता हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला जिसकी सुगंध से जीवन चलाए काफिला जिसे